साइकिल से आ रहे थे, पीछे मोटरसाइकिल वाला तीन सौ रुपये। अरे इधर देख के बोलो ना, कितना लोग था? तीन आदमी। किस चीज़ पे था? मोटरसाइकिल। क्या था तुम्हारे पास में, क्या हुआ, घटना पूरा विस्तार से बताओ। क्या घटना घटी है तुम्हारे साथ? नौकरी करते हैं। कहाँ नौकरी करते हो? हम प्रकाश पूर्णा जी। क्या चीज़ का पापड़ बेलते हो? नहीं। क्या करते हो? एजेंसी लाइन का काम है। एजेंसी लाइन का। वही बताओ ना कि क्या हुआ है, वहाँ से आ रहे थे? आ रहे थे यहाँ पे, हो गया घटना। अरे कितना पैसा था? 3 लाख। कहाँ जा रहे थे? बैंक जा रहे थे, IDBI। फिर क्या हुआ, पूरा घटना बताओ ना। और क्या बताएं सर, और तो ले तो भाग दिया गया, और क्या करें। पैसा कौन दिया था? ये है जो तुम्हारे साथ घटना हुआ, बताओ ना। तुम बताइए ना, क्या हुआ, बोलो क्या नाम है? आराम से सर यादव। क्या घटना, क्या हुआ, शेखर बताओ। तो हम आ रहे थे मालिक के घर से, तो यहाँ पर तो हम आए, पीछे हमको लगा था आया, मेरे साइकिल में धक्का मार दिया, गिर गए। वो मालक मादर से अगर बोलोगे गोली मार देंगे। कौन लोग? कौन लोग जानते हो? तीन पे नहीं है, पहचान में आया नहीं। चेहरे पे कुछ लगा था? मास्क था, हेलमेट था। क्या चीज पर था? इरंडा साइन से। कहाँ पर था? यहाँ पर, तूफानी मेहंदी वाले। हथियार था? हाँ गोली था, गोली था। अच्छा क्या करते, क्या चीज का व्यवसाय है? माचिस और बिस्कुट का व्यवसाय। ये पर डे रुपया लेकर के बैंक जाते थे? हाँ पर डे जाते थे। कितना साल से काम कर रहे हो यहाँ? 18 साल से काम कर रहे हैं इनके। अच्छा, क्या नाम है मालिक का? ओम प्रकाश गुना जी। पैसा भी वही दिए थे? इतना सा ही बोलना था। एक बाइक के 3 सवार लोग, इससे का जो पैसा था, इसका थैला था, वो छीन लिया। कितने कितने मानी? ये सब बता रहे कि 3 लाख रुपए थे बैंक में जमा करने जा रहा, और घर से निकलते ही 50 मीटर की दूरी पर एक बाइक में 3 लोग सवार थे, उन्होंने इसका थैला झपट लिया, झपट कर भाग गया। अभी हम लोग CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं, और कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे, और उसकी जांच की जा रही है। अज्ञात प्रमाण भी दर्ज की गई है, और इसका तब तक आप लोग का प्रयास करेंगे। जिनके साथ ये घटना हुई है सर, उनका क्या नाम है? नेम एंड डिटेल्स हम लोगों ने नोट किया है, यही रहने वाले चुड़ियारी टोला के ही रहने वाले हैं। लोग कौन है वो, क्या किसी व्यवसाय से? माचिस का व्यवसायी है, उनके साथ ही ये काम करते हैं, और डेली इनका जो भी पैसा कलेक्ट करते हैं वो डेली ही बैंक में जमा करते जाते हैं, उसी की तरह में आज भी ये निकले थे पैसा जमा करने के लिए। क्या लगता है सर, जैसा बताया जा रहा है, क्या लगता है यार, क्योंकि पहले भी इस तरह फुटेज हम लोग चेक करवा रहे हैं, जहाँ तक अंदाजा है कि घर से निकलते ही ये घटना हुई है, पहले से वहाँ पर रेकिंग किया जा रहा होगा, वहाँ पहले से तैनात होगा जो उन्होंने ये घटना किया है, फुटेज से क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से CCTV चारों तरफ लगा, क्या लगता है कि ये एरिया काफ़ी व्यस्त एरिया है, और काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए हैं, और सारे फुटेज की जाँच पड़ताल की जा रही है, आगे जो भी होगा आपको बताएंगे।